कुछ चीजें होती हैं लाइक कॉन्सेप्ट आप एक बड़ा चीज कहते हो एंड देर आर जस्ट सम पॉइंट्स अगर आपको फर्स्ट पॉइंट पता है यू विल बी एबल टू डू द सेकेंड पॉइंट सेकेंड समझ आ रहा है समझ आ रहा है इज ऑल्सो समथिंग कि आपने एक बार पढ़ा है एंड यू कैन रिटेन इट आपको याद है वो थर्ड समझ आएगा एंड सच स्मॉल स्मॉल पॉइंट एडअप टू मेक अ कॉन्सेप्ट सो अब फिजिक्स की ना एक रिक्वायरमेंट होती है एक डिमांड होती है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और वो यही है कि फर्स्ट इज फोकस एंड सेकेंड इज पेशेंस फोकस अपने फ़ोन वाली डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर रखो व्हेन यू आर डूइंग फिजिक्स बस यही डिस्ट्रैक्शन नहीं होते देर सम इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस देर सम थॉट्स दैट ठीक है हमेशा ही आपको वो करते रहते हैं कि यार फिजिक्स तो नहीं हो सकती फिजिक्स इज़ अ रैंकर्स थिंग एंड वी आर एवरेज स्टूडेंट्स तो हमसे फिजिक्स नहीं हो सकते सो so, जब आप इस माइंड सेट इस डाउट और इस एटीट्यूड uh, के साथ बैठते हो बेसिकली तो आपसे फिजिक्स नहीं हो पाती एंड दैट थाट्स आर ऑल्सो यू नो टेकिंग सम समर्शन ऑफ योर ब्रेन तो आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने पे ना होकर उन थॉट्स पे भी है तो ऑब्वियसली इट्स फुलिश टू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ हाफ बुट एफर्ट है ना अगर आप पूरा अच्छे से एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो सो देर इज नो पॉइंट कि हमें फिजिक्स समझ आ जाए सेकेंड इज पेशेंस के हर एक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है ठीक है उसकी एक रिक्वायरमेंट है या आपको वो किस तरह से समझ आएगा आपको एक पर्टिकुलर टाइम एंड एफर्ट उसको देना पड़ेगा वट यू आज डू इज कि आप डेली टारगेट सेट ना करके डेली का टाइम टेबल प्रॉपर सेट करते हो कि छः से सात मुझे फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना पढ़ना है मीन्स यू डोंट नो एग्जैक्टली कि आपको कितना टाइम उसमें लग सकता है आप एक बस एवरेज की इतना टाइम जनरल लगता है तो मुझे इतना ही लगेगा उस पर क्या होता है आप एक घंटा लगाते हो आपको पर हो सकता है ना कि उसको डेढ़ घंटे में समझते तो ज़्यादा अच्छा होता आप एक घंटा पढ़ते हो एंड देन यू हैव नेक्स्ट टास्क ऑन योर टू डू लिस्ट जिसकी वजह से क्या होता है कि देखो आपने उसको पूरा टाइम नहीं दिया अब उससे उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगी और फिर डिमोटिवेशन गिल्ट वो सब वाला फैक्टर्स आपके अंदर तो आने लग जाएंगे यार हमने जो तो टाइम दिया एक घंटा तो आपने दिया एंड स्टिल नो आउटपुट सो यू विल डेफिनेटली फील कि वी आर डम हमसे फिजिक्स नहीं होती जबकि ऐसा नहीं था अगर आप उसको थर्टी मिनट्स हो दे देते तो शायद वो हो जाते सो so, एक ये चीज़ है सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस पी वाई क्यूज मेनी मेनी टाइम्स एक कॉमन एटीट्यूड रहता है स्टूडेंट्स का कि वो सोचते हैं कि हम पी वाई क्यूज को एंड में करेंगे एंड में करेंगे लास्ट के एक महीने में लास्ट के दो महीने में जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए इफ़ यू आर अ ड्रॉपर तो आपको एक आइडिया है तो पी वाई क्यूज के थ्रू ही समझो कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं इवन इफ़ यू आर फ्रेशर तो भी क्या करो कि एक बार अपनी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई लेक्चर हो रहा है आपके स्कूल कोचिंग या वाई टी पर देख रहे हो उससे पहले उसको थोड़ी सी उसकी एन सी आर टी पढ़ के जाओ थोड़ी से पी वाई की उसका आइडिया लेके जाओ कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है देखो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है बट अ स्मार्ट वर्क इज़ दस देखो स्मार्ट वर्क हमें लगता है कि यार वी आर फाइंडिंग एन ईजी वे जबकि ऐसा नहीं है स्मार्ट वर्क मीन्स कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो नाउ गिव इट अ डायरेक्शन एक माइंड में हमेशा आपके होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या आता भी है कुछ चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो फोटो सिंथेसिस वॉज वन चैप्टर जिसमें आई ऑलवेज हैड दैट फियर कि मुझे डाटा रिटेन नहीं हो रहा उसके साइकिल के कॉन्सेप्ट मतलब जो साइकिल होती थी तो उनके स्टेप्स को समझने में मुझे डिफिकल्टी होती थी बट मैं सॉपी वाई क्यूज आई रईज कि नहीं यार एनसीआरटी की लाइन से पूछ रहा है सो ऑल आई हैव टू डू इीट एनसीआरटी मल्टीपल टाइम तो ये है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे सेमी कंडक्टर्स है इवन इफ यू आस्क मी नाउ ठीक है आई हैव क्रैक नीड और सेमी कंडक्टर ये क्वेश्चन भी सही थे मेरे बट इवन इफ यू आस्क मुझे सेमी कंडक्टर अच्छे से आता है कैन आई टीच इट टू समन नो आई कॉन मुझे अभी भी वो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट नहीं समझ आता है इन स्पाइट ऑफ है लॉट ऑफ एफर्ट्स बट द थिंग इज़ कि उतनी वर्किंग क्या इंपॉर्टेंट है भी सही जस्ट बिकॉज वो एन सी आर टी में दी हुई है जस्ट बिकॉज हमें कोचिंग में पढ़ाई गई है क्या वो एक्चुअल में आएगा पेपर में पे। सो so इफ यू सी ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आते हैं और जब आते हैं तो दे जस्ट मोस्टली वो फार्मूला बेस्ड होता है सो यू डोंट रियली नीड टू मतलब इतना कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है सो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम हर चैप्टर की क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है एंड यू वॉन्ट पीपल टू रिवराइज एवरी सिंगल थिंग ठीक है तो पी वाई क्यूज में आई वॉज थिंग कि अगर आप पी वाई क्यूज का भी थोड़ा सा आइडिया लेके जा रहे हो लेक्चर में सो यू वुड भी सिटिंग इन द लेक्चर हॉल या अपने रूम में अगर यूट्यूब आ, को या कोई ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो सो so आप वहाँ बैठोगे ना तो यू वुड हैव सम डाउट्स कि फर्स्ट टाइम आपने विदाउट किसी टीचर की हेल्प के पढ़ा है सो ऑब्वियसली यू वुड हैव सम डाउट अगर ढंग से पढ़ोगे तो सो so नाउ आपका माइंड जो है ना इट वॉन्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर फ्रेंड्स टॉकिंग या कुछ भी या लाइफ चैट से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बिकॉज ऑल यू हैव इन योर माइंड कुछ डाउट्स जो आपको सॉल्व करने हैं खुद ठीक है ऑल्सो ये भी है कि यार बस टीचर पे डिपेंड मत रहा फॉर योर डाउट्स थोड़ा सा उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो सो so, जब आप कुछ डाउट्स के साथ लेक्चर हॉल में बैठोगे तो आपका दिमाग में कुछ अनकनेक्टेड डॉट्स होंगे एंड योर माइंड विल बी फोकस्ड मोर ऑन कनेक्टिंग डॉट दोज डॉट्स एनदर थिंग इज या सो योर सेल्फ टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो क्या होता है कि कई बार हमने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए बहुत कॉमन डाउट है ये कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ लिया बट हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए लाइक like, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो हमसे कॉन्सेप्ट समझ आ गया लेक्चर समझ आ गया बट क्वेश्चन नहीं हो रहे सो गाइज इट्स ऑल राइट ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है द थिंग इज कि देयर आर लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चनस और आपने हर टाइप को समझ लिया आप सीख गए कि हर क्वेश्चन की ये ये कैटेगरीज होती हैं मतलब ऑल क्वेश्चन इन कैटेगरीज में लाए करेंगे एंड यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन वन ऑफ दोज कैटेगरीज तो एट द एंड आपके पास हर कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन होंगे जो ही आएंगे मेन एग्जाम में लाइक वन फोर्टी वन फिफ्टी आप इस तरह से डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो एंड इवन मोर क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना वो मेन एग्जाम में चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली आईम टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकली के लिए तो आपको एन पढ़नी पड़ेगी डेफिनेट और एन पढ़नी पड़ेगी लाइक like, ये भी बहुत डाउट रहता है कि आप फिजिक्स में एन सी आर टी पढ़ें सो इनिशियली मैं भी सजेस्ट नहीं करती थी बट या जो ये लास्ट टू ईयर्स का ट्रेंड है तो उसमें एन की लाइन उठ के आ जाती बट अगेन या तो चैप्टर के साथ साथ ही कर लो या फिर अभी नहीं किया है और आप एनसीआर पढ़ने में उतने कम्फर्टेबल नहीं हो तो देखो कुछ क्वेश्चनस ही आएंगे उस तरह के सो यू कैन ऑलवेज कीप दैम टू द लास्ट और एक सेफ स्कोर अपना फिजिक्स में रख सकते हो कि यार 150 तो इस तरह से आ जाएंगे अगर मैं वो थियोटिकल पॉइंट्स नहीं भी आते बट डेफिनेटली पॉइंट्स टू पॉन्डर और ये वाले जो होते हैं लाइक पॉइंट्स टू पॉन्डर और जो समरी होती है पूरे चैप्टर के एट द एंड ऑफ इच चैप्टर तो वो तो वो पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए इफ़ पॉसिबल शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसी में उसको ऐड करो सो वट आई वॉज थिंग इज की प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ना क्वेश्चन सो डोंट फील बैड अबाउट इट बिकॉज मैंने आपको बताया कि कुछ तरह के क्वेश्चन हैं नीट एग्जाम में जो ही आएंगे विथ चेंज ऑफ वैल्यूज तो हमारा आइडिया तो बस ये है ना हमें कोई कॉन्सेप्ट का मास्टर नहीं बनना वी डोंट हैव टू डू रिसर्च वी डोंट डू हैव टू डू द पी एच डी इन अ कॉन्सेप्ट बट वी हैव टू डू कि हमें तो नीट एग्जाम क्रैक करना है एंड द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी दैट कुड बी इज आइडेंटिफाई ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा डू वन थिंग कि आप जिस भी सोर्स से यू uh, नो you know, कर रहे हो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो ठीक है अब कुछ जगहों पे नहीं होते बट तो डेफिनेटली एन में भी कुछ सॉल्फ एग्जाम्पल्स हैं कोचिंग का मॉड्यूल अगर देखो अगर आप ले सकते हो सो तो इट्स वेरी गुड ठीक है किसी फ्रेंड से ले लिया या यू कैन परचेज आल्सो डीएलपी समथिंग नहीं तो टेलीग्राम पे है इतना कंटेंट ठीक है सर्च करोगे तो मिल जाएगा सो so, उसके पीडीएफ से सॉल्ड एग्जांपल्स कर लूँ एंड सॉल्ड एग्जांपल डोंट जस्ट डू इट कि ऐसे ऐसे करते हैं हो क्या अंडरस्टैंड पहले बस क्वेश्चन देखूँ ठीक है सॉरी फॉर द नॉइज पहले बस क्वेश्चन देखूँ और गिव याइम फिजिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को भी एंड लाइक कॉन्सेप्ट को भी सो एक्सेप्ट योर पीज कि हम से जितने उसमें हो रहा है हम करेंगे कि ये टाइम एक प्रेशर ये भी रहता है कि टाइम प्रेशर है कि हमें एक मिनट मिलेगा तो हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं बट अगेन जो फिज़िक्स है उसमें आपका टारगेट हमेशा uh, तो ही होना चाहिए फिजिक्स है या फिजिकल केमिस्ट्री है बेसिकली तो उसमें आपका टारगेट फर्स्ट ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सही सॉल्व करें फर्स्ट थिंग शुड बी एक्यूरेसी एंड देन द स्पीड सो ये है तो जब आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हो उनको लाइक like अप्रोच सीखने के लिए तो क्या करो पहले अपना लिखो कि जो जो पढ़ा उसमें मैं अगर इफ इट्स द मेन एग्जाम डोंट टेक द प्रेशर ऑफ मेन एग्जाम बट अगर मेन एग्जाम में है एंड आई डू हैव टू अटेम्प्ट तो मैं कैसे कैसे करता हूँ जस्ट राइट डाउन टेक टाइम, राइट डाउन और फिर जब आंसर नहीं आएगा ना यू वुड आपने लगाया हो, अब क्या करो अब उसके सॉल्यूशन को देखो उसका अप्रोच समझो एंड देन रियलाइज एंड रियलाइज की यार यहाँ गलती हुई नाउ दिस यहाँ गलती हुई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द रीजन बींग अगर आप उस क्वेश्चन को देख के डर जाते या यू लीव इट ऑल टूगेदर और आप बस सॉल्यूशन देख लेते तो आपको लगता मुझे ये चैप्टर नहीं आता राइट दैट्स ऑल्सो द प्रॉब्लम वेन यू एनालाइज द मॉक टेस्ट आप लोग सही से एनालाइज नहीं करते एंड रोटेशन uh, का क्वेश्चन गलत है तो यू स्टार्ट डूइंग रोटेशन चैप्टर तो ऐसे मत करो जस्ट अंडरस्टैंड द अप्रोच और उन जो स्टेप्स हैं ना लाइक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया किसी क्वेश्चन में और आपने देखा तो आपको समझ तो आ जाता है बट यू कैन नॉट रिप्लीकेट द प्रोसेस इन द मेन एग्जाम ठीक है वो चीज रिटेन नहीं कर पाते आप जब तो आप देखोगे सॉल्यूशन तो हाँ समझ आ जाएगा बट आप उसको आपको करना है तो एक दिन बैठ के या फिर कोई भी ऐसा नए टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता है ना आपको सो अंडरस्टैंड द अप्रोच अंडरस्टैंड द स्टेप एंड देन रिटेन इट नॉट एग्जैक्टली द सॉल्यूशन उसको याद नहीं करना बट डेफिनेटली आपको स्टेप्स याद होने चाहिए ये करेंगे तो ये आ जाएगा so. अब एक चीज आती शॉर्ट नोट नोट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा मॉक टेस्ट इज अनदर इशू कि पता है क्या होता है आपके बैकलॉग्स क्यों रह जाते हैं क्योंकि जब भी आपका करंट टॉपिक आप जो पढ़ रहे होते हो ना आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो आपको पता होगा देर आर इज ऑलवेज सम टेस्ट सम अपकमिंग टेस्ट तो आपका हमेशा दिमाग करेंट टॉपिक में ना रह कर उस पर रहते आई एम नॉट सेंग अप करंट टॉपिक जब क्लास पे हो रहा है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो बट डेफिनेटली एक चैप्टर को अप्रोच और अच्छे से करने का तरीका ये होता है आप उसको पहले बढ़ के जाओ क्लास में अच्छे से सुनो विद द पी वाई क्यूज विथ सम डाउट्स बैठो और अच्छे से सुनो एंड देन रिवाइज द चैप्टर उसमें से तीन चार चीजें जो निकल के आई एक लेक्चर में इतना ही मेन होता है ठीक है किसी चैप्टर में ज़्यादा भी हो सकता है उसको लिखो एंड देन रिवाइज इेली मे बी फॉर सम सेकेंड्स बट डेली ये जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं ओवर एंड ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली जब वो चैप्टर खत्म होगा तो आपके साथ साथ बहुत अच्छे शॉर्ट मोम्स भी बन जाएंगे अब उस शॉर्ट में तो जब आप रोज़ ही रिवाइज कर रहे हो फॉर सम अमाउंट कुछ सेकेंड्स सीरियसली एक मिनट ऐसा आएगा कि आपको बस देखना पड़ेगा उसको अब वो जब रोज़ रिवाइज हो रहे हैं सो मॉक टेस्ट में तो आप कुछ भी नहीं करना आपका ऑलरेडी रिविजन हुई पड़ी है जबकि क्या होता है कि करेंट टॉपिक आप अटेंड तो कर रहे होते हो अब एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी सो रियलिटी ये होती है दैट आप उसको अच्छे से नहीं करते लाइक करंट टॉपिक चल रहा है यू आर अटेंडिंग द क्लास बट और जो साथ, साथ के प्रोसेस होते हैं कि आप उसको रिवाइज नहीं करते घर जाके यू थिंक देर इज़ एन टेस्ट कमिंग और मुझे उसमें यू नो अच्छा स्कोर करना है सो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना शुड नेवर बी योर टारगेट और इसको आपको ठीक करना पड़ेगा अब एक और ये भी चीज़ होती है कि मॉक टेस्ट मैनेज करना करेंट सिलेबस मैनेज करना और कुछ बच्चों के बैकलॉग्स भी होते हैं सो बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए यू वुड नीड टू गिव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आर्स राइट अगर आपके जो इलेवेंथ का फर्स्ट हाफ होता है उसमें बैकलॉग्स हैं बेसिक मैथ्स बेसिक जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है तो उसके बैकलॉग्स आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में भी आपको लगता रहेगा कि यार उस टाइम अच्छे से कर लिया होता तो मतलब अब प्रॉब्लम नहीं आ रही होती वैक्टर्स है तो वो हर हाँ जगह यूज़ होगा राइट right? सो इस बैकलॉग्स को क्लियर अ ठीक है जितना जल्दी उसको क्लियर कर सको डू इट बिकॉज क्योंकि अगर आपके दिमाग में होगा ना ये भी रहता है तो यू वुड नेवर बी एबल टू डू गुड ठीक है आपका माइंड का कुछ पोजिशन कहीं और है सो यू आर नॉट फोकस्ड और आप अच्छे से किसी भी चीज़ को नहीं कर पाओ सो so, ये है एक चीज तो बैकलॉग्स को क्लियर करो इंक्रीज योर नंबर ऑफ ऑल एक बहुत कॉमन डाउट ये भी है कि कितने घंटे पढ़े यार आई डोंट नो हाउ मच यू शुड स्टडी यू शुड स्टडी जितना पढ़ सकते हो सो अपने नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज करो डिस्ट्रैक्शंस को वर्क कम करो कुछ फैमिली इवेंट होता है तो अवॉइड इट फॉर नाउ ठीक है तो वन हु एक्चुअली केयर्स फॉर योर करियर विल वेट वैमली और फ्रेंड सो ये इंपॉर्टेंट है राइट एंड सम मोर पॉइंट्स आर आज मेरे बहुत अच्छे से लिख के किया है कि I didn't really want to miss something. Yeah, so एक और point ये है कि आप लोगों को आ, लगता है कि chapter बहुत बड़ा है एंड और आपने इतने सारे resources refer किए होते हैं it online या offline कि आप एक chapter को ना अच्छे से कभी complete कर ही नहीं पाते means like uh, एक्चुअली सही स्ट्रैटेजी क्या देखो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मैंने बहुत सारे सोर्सेस फॉलो किए थे और जब मुझसे एक सोर्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं फिफ्टी क्वेश्चन करना चाह रही हूँ एंड आई एम स्टक एट आई से टू रियली सॉरी फॉर दैट सो मैं क्या करती थी कि उस बेसिकली uh, उस सोर्स को छोड़ के आई यूज टू फॉलो अनदर सोर्स और उसके क्वेश्चंस करने लग जाती थी बट एट द एंड क्या होगा कि आपका कोई भी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज यू जस्ट कीप स्विचिंग योर सोर्सेस अब इसके लिए क्या करना है कि आप पी वाई क्यूज या एक बेसिक वो रखो कि या तो मुझे एल एन का मॉड्यूल आकाश का मॉड्यूल करना है एंड द पी वाई क्यूज वट यू डन विद डैट तो क्या करो आई थिंक इट्स रियली डिस्टर्ब यू पार्क आई विल द थिंग इज आई कैन स्टॉप द वीडियो बिकॉज इसमें ऐसा फीचर नहीं है इफ आई स्टॉप इट विल गेट सेव्ड ऑल आई वॉन्ट एक ही स्ट्रेच में बोलू इसको एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ प्रो एट एडिटिंग सो प्लीज पेयर विद मी आई थिंक आई कैन कंटिन्यू राइट आई विड बी लिटल लाउडर सो यही है कि कुछ सोर्सेज एक बेसिक मिनिमम रखो कि मुझे इतना कर कर लेके करना है एंड देन आई विल सी माई चैप्टर इज कम्प्लीटेड तो एक सोर्स को पकड़ो हर सोर्स अच्छा होता है आई एम नॉट प्रोमोटिंग कि आकाश का मॉड्यूल करो एल एन का मॉड्यूल करो कोई भी सोर्स कर लो डी सी पांडेज ऑल्सो वडैरालिस भी अच्छी है तो हर एक को क्या करो कि पूरा करो एंड देन सर आई एम डन विद दिस चैप्टर देन अब और मैं जितना भी सीखूंगा या सीखूंगी अब वो मैं मॉकटेज से सीखूंगी सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड अदर थे शॉर्ट नोट्स तो एक ये भी बहुत डाउट uh, uh, मेरे पास आया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं सो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए विट अ सेकेंड विथम राइट या सो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने आई नो देखो शॉर्ट नोट्स की ना कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें सो ऑल यू कैन डू इज मेक अ फार्मूला शीट फार्मूला तो पता चलते हैं कि ये ये फार्मूला है इस चैप्टर में सो जस्ट मेक अ फार्मूला शीट और कई बार ऐसे करो कि बस आप फार्मूला शीट को रिवाइज करके यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट अब उन क्वेश्चन से एक रेट्रो स्टडी करो कि थ्योरी पढ़ गया तो क्वेश्चन करते हो नाउ डू वर्ड कि आप क्वेश्चन के थ्रू सीखो एंड आपको लगा कि इस फॉर्मूले में ये बात भी पता होनी चाहिए ये कंडीशन लगेगी तो राइट इट दे फिर क्या करो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कोई प्रॉपर आपने पढ़ लिया और फाइनली आपने वो रिवाइज भी कर लिया एक बार अच्छे से शॉर्ट नोट्स को तो अब आप क्या करो कि अब जब आपका मॉक टेस्ट हो गया एंड यू एनालाइज इट देन यू फाइंड सर्टन काइंड ऑफ के आपके मिस्टेक्स हुए नाउ इफ इट्स जस्ट दू नो फॉर्मूला मिस्टेक है या आपकी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं अपने ही फॉर्मूला शीट में जो मेन मेन यू नो थम रूल्स होते हैं या कुछ ऐसा चीट कोड कि इससे हमें याद रह जा तो वो सब अपने शॉर्ट नोट्स में रखो और शॉर्ट नोट्स में जब आपने टेस्ट दिया और आपको लगा ये फार्मूला मिस हुआ दैन मेक अ स्टार मार्क देअर ओनली इन यूर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स और लिख भी लोट अगर लिखना चाहो तो कि मेरा ये इस पेपर में गलत हुआ था पूरा मत लिखो बट जस्ट राइट द नेम ऑफ द एग्जाम जिसमें आपका वो गलत हुआ इससे क्या होगा अवर यू रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स नेक्स्ट टाइम तो उस पर आपका ध्यान जाएगा एंड यू कैन जस्ट रीड इट ट्वाइस एक बार आप पूरा देख रहे हो पर उस पॉइंट को आपने स्पेसिफिकली दो बार कर लिया राइट right? तो एक ही चीज़ एक ये चीज़ होती है सो so, अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार बना के छोड़ छोड़ो मत शॉर्ट नोट्स इज़ सम जो आपको जब एग्जाम में जस्ट वन वीक रह जाएगा तब आपको वो रिवाइज करना होगा सो कीप इट डायनेमिक कीप इट यू नो उस उस पर एक मोशन वाला फैक्टर रखो कि उसको डायनेमिक रखो उसको चेंज करते रहो और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं राइट आई थिंक आई एम कंप्लीट बट लेट मी जस्ट थिंक कि और कुछ रह तो नहीं किया गया सो येस एक पॉइंट है मिस्टेक्स रिविजन जब भी आप मिस्टेक्स करो देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मिस्टेक्स को यू you नो know, अच्छे से रिवाइज करने का फर्स्ट थिंग इज यू कैन जस्ट मेक अ शॉर्ट लाइक एक नोटबुक आई हैव इट जस्ट लेट मी शो यू लाइक ये है ठीक है तो लास्ट के कुछ टाइम में लाइक like मेरे पास कंप्लीट नोटबुक्स में ये फिजिक्स की मिस्टेक नोटबुक केमिस्ट्री की शॉर्ट यू नो मिस्टेक्स नोटबुक बट ये इट वॉज हैंडी और इस पर बेसिकली जो मेरे लास्ट कुछ टाइम के कैन सी ठीक है तो इस पर जो लास्ट के एक मंथ में मैंने फुल सिलेबस और अच्छे से मॉक टेस्ट दिए थे उसकी सारी मिस्टेक्स इसमें लिखी हुई थी और आई यूज टू रिवाइज दिस एवरी मॉर्निंग सो या तो अलग अलग कॉपीज बना लो या फिर क्या करो मतलब ये जो सेकेंड थिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली इम्पॉर्टेंट दिस इज़ कि आई फाउंड कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है वो ये है कि जब आपके जो शॉर्ट टूथ हैं ना उसी में एक शीट अटैच कर लो या मल्टीपल शीट अटैच करके वहीं अपनी मिस्टेक्स लिख लो और अच्छे से लिखो एक्सप्लेन क्योंकि तब तो आपको लगता है कि जब वो चैप्टर नया नया होता है आपने अच्छे से पढ़ा होता है तो आपको लगता है अच्छा हाँ ये ये ऐसे ऐसे हो जाए बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि माइंड की भी कुछ कैपेसिटी है और वो भूल जाएगा कुछ टाइम के बाद तो ऐसे ना करके क्या करो उसको प्रॉपरली लिखो सॉल्यूशन को कि उसको आप छः महीने बाद भी रिवाइज करो तो आपको समझ आए हालांकि छः महीने बाद रिवाइज नहीं करना शॉर्ट टॉट्स आर समथिंग मिस्टेक्स आर समथिंग सो आपको रोज़ रिवाइज करनी है और एक और चीज़ है कि जब आप पूरा दिन पढ़ते हो सो देर आर यू नो सम पॉइंट्स मतलब पूरे दिन का अगर आप वो ग्राफ प्लॉट करोगे प्रोग्रेस टाइप सो आपको लगेगा कि कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ यू आर नॉट अटेंटिव आप अगर उस टाइम पे हैवी कॉन्सेप्ट लेके बैठोगे तो एक तो आपसे नहीं होगा नहीं होगा यू विल बी डीमोटिवेटेड और फिर आप उस साइकिल में चले जाते हो यू ऑल नेगेटिव नगेटिव साइकिल में चले जाते हो सो रैदर देन गिविंग अप एट दैट टाइम ऑल टूगेदर आप क्या करो वहाँ हल्की चीज़ें उठा लो हल्की चीज़ें उठा लो विद इसको शॉर्ट टोस्टवाइज कर लूँ मेक सेंस एक और चीज़ ये भी है कि वेन यू फील लाइक आई एम डन आई एम डन फोर द डे इसके बाद में नहीं पढ़ सकता सो so वो एक मैंने बताया है अपने वीडियोज़ में डेट वो बस एक बॉडी का रेस्क्यू सिस्टम है एंड यू वन स्टिल पुश फॉर एटलीस्ट एन आवर सो जब वो पॉइंट हो सो so कुछ हल्का उठा लिया करूँ वेन यू आर लाइक अब नहीं हो सकता है फिर भी थोड़ा सा स्ट्रैच करूँ ठीक है एंड रिवाइस यूर शॉर्ट नोट्स तो कुछ लेस एनर्जी वाला काम करूँ उसका अल्टीमेट आइडिया इस कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाना है रियली सॉरी सो डेफिनेटली डू एवरी थिंग दैट योर कॉम्पिटिटर इज नॉट डूइंग एंड डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कुछ और आप लोग जानना चाहो फिजिक्स से रिलेटेड एंड वन टिप एट द एंड इज कि डोंट फीयर फिजिक्स ठीक है इस डर को निकालो बिकॉज दैट फियर इज समथिंग दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आपसे फिजिक्स नहीं होती फिज़िक्स इन इट सेल्फ इज एन इलेबोरेट और एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है बट नीट फिजिक्स जो है वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है सो दट्स सिंप्लीफाई योर जर्नी एंड नॉट ओवर कॉम्प्लीकेटेड